हौसला रखो, हमें साथ में यहाँ से निकलना होगा। हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम हमारी ताकत हो। कोई है? देखो हम लोग फंस गए इधर। मेरी बीवी को चोट लगी हुई है। कोई है? हम नहीं जा पाएंगे। तुम जाओ, हमें यहीं मरने दो। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हम तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। अगर तुम नहीं उठती तो हम भी अपनी आखिरी सांस तक यहीं बैठे रहेंगे। इस जगह को हम दोनों की कब्र बना देंगे। क्या हम पानी लाते मान लिए? कबीर कबीर, परेशान ना तो, हम ठीक हैं। वो कुछ कहना था। बीते दो दिन में तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारा ध्यान रखा, हमारी जान बचाई, शुक्रिया। शायद दो दिनों में जो हुआ है जरा उसे भूल जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। बीते दो दिन में जो कुछ भी हुआ, वो हादसा हम कभी नहीं भूल सकते। तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कौन से कबीर हो? एक तरफ वो कबीर है जो हमसे बहुत नफरत करता था, हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता था, हमें अपनी जिंदगी से दूर कर रहा था, और दूसरी तरफ ये कबीर जिसने 100 जतन किए, फैक्ट्री बेसमेंट से हमें जैसे तैसे निकाला, हमारा ध्यान रखा। बस हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। बस हमारे जनाजे की नमाज तुम पढ़ना। तुम कौन से कबीर हो? नाम वही कबीर सर। इतना बताओ कि तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मतलब बात उलझा रहे हो या फिर? नहीं, हम पूछ रहे हैं। जवाब नहीं देना चाहते। क्यों नहीं जवाब देना चाहेंगे जरा? सिर्फ हम तुमसे इतना पूछ रहे, तकलीफ हो रही है कि नहीं? फजर का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आते हैं, बैठो। हम भी चलेंगे, हमें भी नमाज पढ़नी है। ठीक है।
हौसले से काम लीजिए बेगम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे बच्चे धमाके के वक्त फैक्ट्री में नहीं थे। इंशाअल्लाह वो सही सलामत होंगे और हमें बहुत जल्द मिल जाएंगे। आमीन। हाँ सलमा बहन, ऊपर वाला बड़ा ही रहीम और करीम है, वो हमारे बच्चों पर आंच तक नहीं आने देगा। फूफी जान, पहले कुछ खा लीजिए। नहीं अजरा, हम कुछ नहीं खाएंगे, हमसे कुछ खाया ही नहीं जाएगा। जान थोड़ा सा। नहीं बेटा, हमें भी भूख नहीं है। अम्मी कुछ तो खा लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं खाएंगे तो आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी, और बिलासा के रास्ते जैसे ही खुलेंगे हमें बिलासा जाना भी तो है ना। हम पुलिस वालों के कांटेक्ट में हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही बिलासा जाने का रास्ता खुलेगा वो हमें इत्तला करेंगे, और अब उम्मीद है कि फोन लाइंस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। मगर काशान, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अम्मी, अब्बू से मिलने के लिए कुछ पुलिस वाले आने वाले हैं, इसलिए अब्बू मस्जिद से सीधे घर चले गए। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपकी सर्विस समझ में नहीं आ रही, इतना अरसा हो गया आप हमारे बेटे को अभी तक ढूंढ तक नहीं पाए। शाबाश साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, उस धमाके के ताल्लुक से हमारे हाथ कुछ सुराग लगे। फैक्ट्री से कुछ दूर हमें सुनहरे रंग के दस्ताने मिले और उनमें से पेट्रोल की बदबू भी आ रही है। क्या कहा? सुनहरी रंग के दस्ताने? जी, हमें उम्मीद है यह दस्ताने उसी आदमी की है जिसने फैक्ट्री की वाटर टैंक में पेट्रोल मिलाया और यह धमाका किया। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए फिर हम ज़ारा कबीर को तो ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, आप हमें बताते रहिएगा क्या हो रहा है। जी।
जमील, निसरीन, मुराद, थक गए हम। क्या हुआ? वो फैक्ट्री में जो धमाका हुआ ना, उसकी वजह से सारे लैंडलाइन आसपास के गांवों में भी खराब हो गए, सारे टावर्स खराब हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे, सारे रास्ते भी बंद हैं। कबीर, ये तो बहुत परेशानी है कबीर। अब्बा की तबीयत वैसे ही खराब है, वो हमारे बारे में सोच सोच के ना और परेशान हो रहे होंगे, उनकी जान निकली जा रही होगी। तुम हंस रहे हो। काजी इरफान सिद्दीकी शहर के काजी है, उनके जैसा जिंदा दिल और हिम्मत वाला इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ जरा। और रही बात हमारे घर वालों की, उनको तो इस बात की खबर तक नहीं है कि हम वो बेसमेंट में लॉक हो गए थे, तो उन्हें लग रहा होगा कि शायद लैंडलाइन खराब होने की वजह से या रास्ते बंद होने की वजह से हम उन्हें कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए। एक तरकीब है, हमारे घर वालों को जब फैक्ट्री के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता चला होगा तो वो लखनऊ पुलिस स्टेशन जरूर गए होंगे ये पता करने कि हम कैसे हैं, कहाँ हैं। अब कबीर, हम बिलासा पुलिस स्टेशन जाते हैं और यहाँ के कंट्रोल रूम से वो लोग लखनऊ में खबर कर देंगे और वहाँ के पुलिस वाले हमारे घर वालों को इत्तला कर देंगे कि हम महफूज हैं, तो घर वालों को तसल्ली हो जाएगी। हाँ हकीकत में, हम एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाकर आते, तुम घर जाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। हम भी चलेंगे। नहीं, हम भी चलेंगे। नहीं, तुम आराम करोगी, तुम दवा खाओगी, सारा तुम्हें आराम करना था। अल्लाह इन दोनों की मोहब्बत को अल्लाह बुरी नजर से बचाए, या अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ पुलिस स्टेशन पे इत्तला कर दूंगा कि जारा और कबीर महफूज हैं और वो लोग लखनऊ पुलिस स्टेशन पे इत्तला कर देंगे, जहाँ से ये खबर आपके घर वालों को पहुँच जाएगी और जिससे उनको इत्मीनान हो जाएगा। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, है? अब आप लोग आराम कीजिए। हाँ। अच्छा चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। देखो हम सच जानना चाहते हैं, स्टोर रूम में जाने की किसने जरूरत की? वहां पर हमारी कुछ पर्सनल चीजें पड़ी थी, एक पर्सनल बक्सा था, उसमें कुछ चीजें थी, वो चीजें गायब हैं, किसने निकाली? हमें कुछ नहीं पता साहब, और हम लोगों ने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर किसने निकाली? साहब बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, अभी अभी हमें डराने की मकसद से वही सुनहरे दस्ताने हमारे पांव के पास कोई फेंक के गया है। ये कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था, हमारी दस्ताने स्टोर रूम में पड़ी थी, फिर उन्हें कौन ले गया? हमें एक बात बताओ जमील, हमारी गैर हाजिरी में क्या कोई यहाँ पे आया था? हमने किसी को आते हुए नहीं देखा सर। या अल्लाह क्या हो गया ये? अगर वो दस्ताने जांच के लिए चले गए तो कानून के हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। हमें किसी भी तरह पुलिस के गिरफ्त से उन दस्तानों को गायब करवाना होगा। ठीक है जाओ तुम लोग। जी शाबाश साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए हमें अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, हम खुद बिलासा जाके उसे ढूंढना चाहते हैं। एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर रहे हैं, आप जरा परमिशन का इंतजाम कीजिए हमारे लिए। ये बहुत मुश्किल है, वो इलाका हाई अलर्ट है, वहाँ सिर्फ पुलिस वालों को जाने की इजाजत है, कोई भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं जा सकता। कबीर आखिर चाहता क्या है? कभी कहता है कि हमारे साथ एक पल नहीं रहना चाहता, कभी हमें खुश करने के लिए 100 जतन करता है। हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ये दिन देखने को मिलेगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि कबीर ये सब क्यों कर रहा है।
हमें कसम देनी होगी जारा कि तुम कबीर अहमद को अपना शौहर कभी तस्लीम नहीं करोगी। तो जारा जी, क्या आप तैयार हैं कबीर की मशहूर खिचड़ी के लिए और दुनिया की सबसे बेहतरीन सब्जी? हम तो कह रहे कि आज तुम सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो प्लेट खाओगी। और ये रही हमारी गर्मा गर्म रोटी, और ये रहा खाना जरा से रोटी। क्या हुआ, सब खैर था? तकलीफ हो रही है तुम्हें? दर्द हो रहा है? बुलाएं उस्ताद फारूकी को। ये हमें कुछ बात याद आ गई। क्या बात? वो अब्बा ने कहा है कि हम उनसे वादा लें। वादा? क्या वादा? उन्होंने कहा है कि हम तुमसे उनसे ये वादा लें कि हम तुम्हें कभी भी अपना शौहर तस्लीम नहीं करेंगे। तुमसे कोई रिश्ता ना रखें और कभी भी अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। हो रही है कबीर, तुम भी तो यही चाहते थे ना? बोलो ना, तुम यही चाहते थे ना? जवाब दो कबीर, तुम यही चाहते थे ना? तुम तो हमसे दूर रहना चाहते थे। तुम नहीं चाहते थे कि हमसे कोई भी रिश्ता रहे। तुम तो इस रिश्ते को खत्म करने पर लग गए थे ना। और हमें समझ नहीं आता है कि तुम कौन से कबीर हो, वो जो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, या ये कबीर जिसने हमारी जान बचाकर मोहब्बत की लाज रख ली। जवाब दो ना, दो ना जवाब कबीर।